आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन रिपब्लिक पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल है आपका 18 मार्च के दिन। 18 मार्च के दिन जो आपका क्लास 9th वाले परीक्षार्थी का दो एग्जाम होने जा रहा है। प्रथम पाली में आपका मैथ का पेपर होगा और द्वितीय पाली में आपका, यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश का पेपर। तो मेरे पास इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर आ चुका है। मैं पहले पूरे प्रश्न को दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको सीधे सीधे इसका PDF डाउनलोड करना सिखा दूंगा और इसका उत्तर भी आपको डाउनलोड करना सिखा दूंगा। तो आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, पूरे प्रश्न मेरे पास है। पूरे प्रश्न को मैं आपके साथ सोल्यूशन करूँगा, साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दो से तीन बात और बता दूं कि यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 18 मार्च के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, यह सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, यह सभी के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट है। तो यह इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, तो अगर आप इंग्लिश का पेपर 18 मार्च के दिन देने जा रहे हैं तो यह वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। यह पूरा हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको पूरे प्रश्न आपको एग्जाम में मैच करेंगे, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। चलिए, कितना प्रश्न पत्र रहेंगे, आपको इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो PDF डाउनलोड करने के लिए मैं आपको, चलिए, दो चार प्रश्न करा देता हूँ, उसके बाद आपको सिखला दूंगा कि आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान से सुनिएगा, अगर वीडियो पर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी आपका मंथली एग्जाम वगैरह आता है उसके साथ साथ आपका एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, सभी में यहाँ पर आपके लिए ओरिजिनल पेपर ही आपको मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आपके लिए यहाँ पर पेपर लाया गया है एग्जाम से एक दिन पहले ही। आपको यहाँ पर 17 मार्च को पेपर मिल रहा है, लेकिन आपका एग्जाम 18 मार्च का है, तो आपको इतना दिन पहले मिल रहा है। तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एक बार जरूर लाइक करके उन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करें जो कि आपका क्लास साथ साथी है और आपके साथ साथ क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं, तो उनका भी आपका इंग्लिश का पेपर, तो उनके पास भी यह वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने जा रहा है वो आपका टोटल आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से किन्हीं आपको 50 का उत्तर देना है। तो मैं 50 का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको और उसके साथ साथ इसी वीडियो के अंतिम तक आपको यहाँ पर पूरे PDF आपको साथ आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। इजी आपको इस तरीका से ट्रिक आपको बता देंगे आगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न को देख लेते दो चार, उसके बाद आपको पूरा PDF डाउनलोड करना, सीधे सीधे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल बेहद आसान है इसका PDF डाउनलोड करना। यहाँ पर देखेंगे कल एग्जाम में अगर आप जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको देखा था हिंदी में जितना पेपर दिया सभी मैच किया, उसके बाद सोशल साइंस में जो भी पेपर दिया सभी मैच किया। आप अगर मैच किया है कि नहीं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उसी प्रकार कल एग्जाम में जाएंगे 18 मार्च के दिन, इंग्लिश का पेपर जरूर मैच करेंगे। इंग्लिश का पेपर मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इंग्लिश का पेपर आपको मैच करेंगे, हूबहू यही प्रश्न पत्र आपको यही देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिएगा कल एग्जाम में दिएगा तो एक नंबर प्रश्न पर यही रहेंगे, धर्मा जोधा इज अ स्टोरी ऑफ, यह किसका स्टोरी है, तो यंग गर्ल, यंग गर्ल की है, ऑप्शन बी आपको टिक कर कराना है। आपको चलिए आगे PDF कैसे डाउनलोड करना है। देखिए इसका PDF डाउनलोड करने के लिए बेहद आसान है, पहले आपको पूरे प्रश्न का सोल्यूशन करा देता हूँ, उसके बाद PDF डाउनलोड करना। देखिए इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक से आपको ज्वाइन कर लेना है, चाहे आपको व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन कर लेना है, चाहे आपको व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे इसका PDF सेंड किया गया, नहीं तो सीधे सीधे आप जस्ट आज ही अपना PDF लेना चाहते हैं वीडियो देखने के बाद या पूरे और उत्तर के सोल्यूशन करने के बाद उसका PDF लेना चाहते हैं, तो आपको क्या कर लेना है, एक नंबर यहाँ पर नोट कर लेना है। इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करना है। एक नंबर आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, इस नंबर पर आप जैसे यहाँ पर अपना नाम और अपना व्हाट्सअप करेंगे, नाम और उसके बाद अपना वर्ग, तो आपको नंबर पर सीधे सीधे इसका PDF चला जाएगा। यहाँ पर आपके लिए सेटिंग कर दिया गया है, इस नंबर पर आपको अपना नाम और अपना क्या करना है, वर्ग लिखकर व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आपको सीधे सीधे यहाँ पर इसका PDF चला जाएगा, आपके नंबर पर अपना नाम लिखकर भी आप सेंड कर देंगे तो इंग्लिश का पेपर, उसके साथ साथ उत्तर भी चला जाएंगे। किस रूप में आपका उत्तर रहेंगे चलिए दिखला देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका उत्तर भी इसी रूप में आपको देखने को मिलेंगे, पूरे 100 तक का सोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे, तो यहाँ पर उत्तर भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन पेपर साथ में मिलेंगे। चलिए अब आप क्लियर सीख चुके हैं इसका PDF कैसे डाउनलोड करना, जल्दी जल्दी से प्रश्न को मैं देख लेता हूँ, पूरे प्रश्न को आपको सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पूरे अगर वीडियो पर चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, हर एक मंथ आपका जितना भी आपका मंथली एग्जाम होता है सभी में सबसे पहले यहाँ पर पेपर उपलब्ध रहता है आपके लिए। पद्मा बिलीव्स इन अ इक्वालिटी बिटवीन, इसका हो जाएगा चाइल्ड एंड वुमेन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इनमोरल, इनमोरल एंड इसका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही, तीन प्रश्न का उत्तर होगा आपका वन टन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करूंगा। चलिए चार नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हाउ मैनी सन डिड यायती हैव, बिल्कुल सही, कितना सन था यायती का, तो आपको याद होना चाहिए इसका चार नंबर प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी अर्थात की 5। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यायती वाज वन एंस
एंसिटर्स ऑफ द, बिल्कुल सही, पंदावस ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। छवा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए छवा प्रश्न की ओर आ चुके हैं। छवा क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, द एस एम सी स्टोरी द मैसेज एंड डॉट डॉट इट द फॉरवर्ड को फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। आपको 2025 में अगर मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना है, ताकि जितना भी आपको अपडेट आता है सभी अपडेट आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 2025 में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उस सभी विषय का प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो आपको 2025 में कहीं भी घबराने की बात नहीं रहेंगे, जितना भी आपको हेल्प मिलेगा 2025 में आपको इसी चैनल के मिलेंगे। चलिए छह नंबर प्रश्न क्या उत्तर हो चुका था, फॉरवर्ड। सातवां प्रश्न क्या कर आपसे, एस एम सी इज ए सेंट बाय, बिल्कुल सही, सातवां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अर्थात की टेक्स्ट हो जाएंगे। पूरे प्रश्न को उत्तर याद कर लेंगे, नहीं तो सीधे सीधे आपको पीडीएफ मिलेंगे तो आप वहां से याद कर लेंगे, तो कल आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, पूरे का पूरे प्रश्न आपको बन जाएंगे। मैनी फॉरेस्ट आर ऑल्सो डैमेज बाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन ए डी हो जाएगा ना, अर्थात की पॉपुलेशन, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए नौवां प्रश्न आपके सामने है, 14 अमेरिका डाई इच डे ऑफ, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा कैंसर, ऑप्शन डी हो जाएंगे नौवां प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या, चलिए नौवां प्रश्न का उत्तर बी होगा, ऑप्शन बी होगा, आस्थम हो जाएगा, आस्थम ऑप्शन बी हो जाएंगे नौ नंबर प्रश्न का आस्थम। दस नंबर प्रश्न का उत्तर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या, चलिए दस की ओर आ चुके हैं, हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए प्रश्न क्या कर आपसे, टू मैनी पीपुल टू फ्यू थ्री हैव बीन राइटन बाय, बिल्कुल सही, इसे कौन लिखा है, तो दस नंबर प्रश्न का उत्तर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन सी मोती निशानी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ग्यारह नंबर प्रश्न क्या करें, ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ऑलवेज बीन इन, बिल्कुल सही, ग्यारह नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अर्थात की फॉल्स। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है आपसे, नर्सिस वाज ए हैंडसम, बिल्कुल सही, 12 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कि यंग मैन था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, पूरे प्रश्न का उत्तर याद कर लेंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, नर्सिस से द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही, 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कि फेस ब्यूटीफुल। इचो कैम फॉरवर्ड टू मीट, बिल्कुल सही, 14 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे नर्सिस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करना भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है और पीडीएफ जल्दी आप मैसेज करेंगे, उसके ही बाद आपको मैसेज पर पीडीएफ चले जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, स्टेट बिस्मिल्ला खान वाज आल्सो कॉल्ड खान साहब, खान साहब होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, पूरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, पूरे प्रश्न का सही सही उत्तर बताया जा रहा है। चलिए बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र आएंगे एग्जाम में, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में आने जा रहा है, इससे अलावा कोई पेपर देखिएगा। कल एग्जाम देकर आएंगे तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट जरूर करिएगा आपको प्रश्न पत्र मैच किया कि नहीं। क्या कह रहा है 16 नंबर प्रश्न आपसे, 16 नंबर प्रश्न आपसे यहां पर कि व्हाट डिड अंग्रेजीब बान इज ए रॉयल प्लेस, क्या होगा, तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी ना अर्थात की प्लेइंग ऑफ पुंगी, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, द स्ट्रेट ऑफ द काठमांडू वेयर, तो काठमांडू वेयर बिल्कुल सही, काठमांडू कहाँ है, तो यह है आपका नारो एंड बीजी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। द फ्लूट सेलर प्लेड, इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर याद कर लेंगे स्लोली विथ द अटेंशन। अगला प्रश्न 19 और क्या कह रहा आपसे, अब्दुल कलाम बिकम द 11th डॉट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन इसमें ए हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा आपसे, यहां पर देखिए जिमा एंडेला हैज हस्बैंड एंड, बिल्कुल सही, इसका क्या होंगे, हस्बैंड क्या वाइफ होंगे, ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी इसका राइट आंसर। चलिए 21 नंबर, डेला सोल्ड हेयर अ बिजी बाय क्रिसमस गिफ्ट फॉर हेयर, बिल्कुल सही, गिफ्ट फॉर हेयर किसे, तो वो आप किसे देते थे, बिल्कुल सही, 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी सिस्टर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा आपसे, डेला कंटेंटेंट हार्मनी टाइम्स, इसका उत्तर हो जाएंगे 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी अर्थात की थ्री। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, द शॉपिंग बैग वाज मेड ऑफ, आपको पूरे प्रश्न को आपको मिलेंगे एग्जाम में मैच कर जाएंगे, पूरे प्रश्न का उत्तर आपको याद कर लेंगे प्लास्टिक, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 की ओर आ चुके हैं,
24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर ग्रैंड मदर वर्ल्ड ए फ्लू इनसाइड द पोएट माइंड इन द लाइक, तो क्या भरेंगे इसमें, हर्ट, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मिल्टन इन क्नॉ फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जॉन मिल्टन वाज ए विल क्नॉ प्रीतन पोएट ऑफ द, देश में क्या पोएट एंड पोएट ऑफ द, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपके 26 नंबर प्रश्न का 16 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या क्या कह रहा है 27 नंबर प्रश्न की, द माइंड इज नॉट सो, तो द माइंड इज नॉट सो बिल्कुल सही है आपका अनकाइंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर, मस्ट फ्रेंडशिप इज, बिल्कुल सही 27 नंबर प्रश्न का हो चुका था अनकाइंड, मस्ट फ्रेंड इज, तो मस्ट फ्रेंड इज आपका फिंगिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, द बोथ ऑफ द विंटर विंड नॉट सो कीन बिकॉज द विंटर विंड इज नॉट, इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपके सीन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करना भूलेंगे, बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र में यहाँ पर जितना आपको पेपर मिलता है सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिलते हैं। कल के एग्जाम में आप देखेंगे आपको जितना प्रश्न बताया जाएगा शुरू से बस अंत तक क्लास में या देख लीजिए पूरे प्रश्न यही रहेंगे, हूबहू यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में छपेंगे। चलिए द स्पीकर वन द डेल्फ्लोडिक्स टू स्टाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। द मॉर्निंग ड्यू हैज बीन कंपेयर्ड टू, बिल्कुल सही 31 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अर्थात की पेरल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, द पोर्ट ऑफ द पोयम साउंड इज, बिल्कुल सही रंजनी प्रालुकर, न तो प्रालुकर ऑप्शन ए इस ए हो जाएंगे। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, द ट्री एस्टॉल्ड एंड द साउंड वाज कट डाउन इन द, बिल्कुल सही कट डाउन इन द क्या, तो इसे क्या कर देते थे, तो वह 33 समय बिल्कुल सही इसका हो जाएंगे लकड़ी, ऑप्शन वुड्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इन द पोएम सेल्फ इंट्रोडक्शन द स्पीकर इज ए, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपको यहाँ पर देखिए हु मैन होना चाहिए इसका उत्तर, इस प्रश्न को आपको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, डॉट 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 इज ए कॉन्फिडेंस टू होम एंड चिल्ड्रेन ड्यूटी, ऑप्शन बी। अगर पूरे प्रश्न का उत्तर सही सही बताया जा रहा है बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करना भूलेंगे नहीं। आगे मैं आपको पूरे पीडीएफ और एक बार सिखला दूंगा कैसे इसका पीडीएफ मिलेंगे, बिल्कुल आपको हुबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही आप यहां पर देख पा रहे होंगे। द पोएट प्रोसेस राइट द पोएम, बिल्कुल सही 36 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी आई आर में लाइक ग्रास। आपको जितना भी अपडेट मिलेंगे क्लास नाइन्थ का, आप क्लास टेंथ में आप आ जाएंगे इस एग्जाम के बाद, तो आपको सभी अपडेट यहां पर मिलेंगे। आपको कौन सा अपडेट में क्या, आपका क्लास में टेंथ में चले जाएंगे तो किस दिन आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कौन सा न्यू अपडेट लेकर आता है, सभी अपडेट आपको इसी पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप जरूर रख लीजिएगा। 27 नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहां पर द पोएट पासेस हिमसेल्फ टू ग्रास, बिल्कुल सही 37 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका, ऑप्शन बी अर्थात की कॉम्प्रेसेस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, आप देखते हैं कि आपको मैं जितना अपडेट देता हूं कि या कि आप देख सकते हैं, आप चैनल पर जाइएगा तो देखेंगे पीछे में आपको जितना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अपडेट आया सभी अपडेट की चर्चा होता है, उसी प्रकार आप में भी अपडेट आया सभी अपडेट की चर्चा करेंगे। क्या कह रहे पासेस वाज ए मोहजर्स डॉट डॉट पोएट, इसका उत्तर हो जाएंगे 38 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन बी पंजाबी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहे आपसे, अब्राहम लिंकन वाज द डॉट डॉट प्रेसिडेंट ऑफ डॉट डॉट यूएसए, इसका कब प्रेसिडेंट है, तो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपके 16th। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 40 नंबर, द पोएट इज एडवाइस द टीचर टू टीच ईच हिज स्टोन द एवरी इवनिंग इज ए एन, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी इवनिंग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 41, पूरे आपको 50 बनाना है, 50 का 50 सॉल्यूशन करेंगे। द पीपलिंग शुड बी टच टू हैव ए पेटेंस, इसका उत्तर हो जाएंगे बी फाइट फुली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, फॉर डॉट डॉट वाज ए ड्राइविंग ए कार विन सोनल मिट विथ ए एन एक्सीडेंट, इसका उत्तर हो जाएंगे 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी अर्थात की ग्रेगोरी लेंचनर, ऑप्शन सी। 43, ऑन द अप्रैल 20, 1975 को यानी कि 1975 सोनल मेड इज ए न्यू स्टार बाई गिविन परफेक्ट डॉट डॉट ए रंज
भवन, इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन सी, याद रखेंगे बॉम्बे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, संतोष यादव डिसाइडेड टू फाइट एग्नेसिस्ट ऑल्ड, इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन ए कस्टम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देख सकते हैं 46 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर इसका हो जाएंगे क्या, तो संतोष वाज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हायर, बिल्कुल सही इसका 45 का ऑप्शन बताए बी एजुकेशन। अगला 46 नंबर प्रश्न क्या कह, कबीर वाज एग्नेस्ट इन सिस्टम, बिल्कुल सही 46 नंबर प्रश्न का हो जाएंगे आपके कैस्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा आपसे, कबीर वाज विंडो, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही इसका उत्तर सन हो जाएंगे ऑप्शन सी। 48 नंबर प्रश्न, कबीर वाज लॉकेड आफ्टर बाय अ कपल, इसका 48 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अर्थात की मुस्लिम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड मुस्लिम हेटेड, इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन ए अर्थात की खेयर हो जाएंगे KHAIR खेयर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 50 नंबर प्रश्न को यहां पर देखिए, 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हु राइटेड इज ए स्टोरी द ई आर नोट हेयर, बिल्कुल सही 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल बायडोसन। इसी प्रकार मैंने आपको यहां पर देखिए कितना प्रश्न तक, 50 प्रश्न तक करा दिया, या बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप एग्जाम में कल जाएंगे यही प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, आपको इसी प्रश्न का जितना मैंने आपको बताया सभी को इस प्रश्न को आपको पूरे प्रश्न आपको एग्जाम में मैच करेंगे, क्योंकि मैंने कल देखा था आपने कि मैंने आपको जितना भी आपका सोशल साइंस में पेपर दिया, हिंदी में पेपर दिया, उसी प्रकार आज मैं आपका इंग्लिश का और उसके साथ साथ मैथ का पेपर दिया, तो आपको यह वीडियो आप जरूर देख लेंगे, इसके बाद इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सबसे पहले इसका सब्जेक्टिव का उत्तर आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ पूरी आपको मैथ का भी सब्जेक्टिव का सोल्यूशन लेकर आए जाएंगे, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कल का भी पेपर आपको मिले जो कि विज्ञान का और संस्कृत का पेपर आपको मिले, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आज आपको मिल जाएंगे 3 बजे तक आपको कल मिल जाएंगे कल, क्योंकि आज आपका यहाँ पर जो पेपर संडे है, तो संडे के दिन जो पेपर होने, संडे तो आपका स्कूल विद्यालय क्लोज रहते हैं, तो आपका 18 तारीख के जो आपका एग्जाम होंगे वो आपका मैथ का पर, उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होने जा रहे हैं, तो मैथ का और इंग्लिश का पेपर मैंने आपको दे दिया। आज शाम में मैं आपको क्या करूँगा, इस दोनों का सब्जेक्टिव तैयार कर लेने आ रहा हूँ, तो सब्जेक्टिव का वीडियो आपके लिए जल्दी आपको मिल जाएंगे, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्टिव उत्तर का PDF भी आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। आपको मैंने बताया कि आपको कैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, और ऊपर मैंने एक नंबर भी आपको दिया था, तो उस नंबर से भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर ले रहे, इतना कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।